उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस पर जानलेवा हमले की घटना ने हड़कंप मचा दिया। मामला श्यामनगर का है, जहां पारिवारिक विवाद की सूचना पर पुलिस पहुंची थी। यहां घर के अंदर से ही एक युवक ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इस हमले में दरोगा हिमांशु त्यागी को गोली लगी है, जिसे अस्पताल ले जाया गया है। आपको बता दें कि चकेरी थाना क्षेत्र के श्यामनगर का ये पूरा मामला है। युवक घर के भीतर से रुक रुक कर फायरिंग करता रहा। इसकी सूचना मिलते ही भारी मात्रा में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। आगे की कार्यवाही की जा रही है। तो ये राजकुमार दुबे हैं, इनका अपनी जो बहू है और बेटा है सिद्धार्थ, और जो भावना है उनके साथ पहले से भी विवाद था, लगभग 3-4 महीने से चल रहा है, और आज भी शायद उनकी आपस में लड़ाई झगड़ा है। उस पर इनके जो बेटे हैं उन्होंने सूचना दी कि हाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा है। उस पर जब यहाँ लोकल जो चौकी इंचार्ज है वो आए यहाँ पे, हिमांशु, और साथ में और एक दो लोग आए, तो यहाँ पे जैसे ही वो आए तो उन्होंने फायरिंग अपनी चालू कर दी। फिर हम लोगों को और सबको लोगों को पता चला लगभग 1 बजे के आसपास। हम लोग पूरी टीम के साथ आए, इनको समझाया बुझाया गया, अभी इनको हम लोग लेके गए। इनका जो मेडिकल और जो स्वैब वगैरह फॉरेंसिक की कार्रवाई वो सारी। कितने पुलिसकर्मी घायल हैं सर इसमें? देखिए, पुलिसकर्मी अगर देखे जाए तो टोटल 3 घायल हैं। एक हमारे सब इंस्पेक्टर के हाथ में छर्रा लगा है, और एक की उंगली में लगी, और एक मामूली चोटें हैं सभी के। सर कितनी देर चला फायरिंग, यानी कितने फायर किए उसने? वेपन का इनका लाइसेंस ही, देखिए इनका ये लाइसेंस ही इनके द्वारा बताया गया, डबल बैरल का है, उसको भी हमने रिकवर कर लिया है, और उसको भी हम लोग। सर टोटल कितने फायर किए होंगे लगभग, इसने कितनी देर चला ये? अभी हम लोग अंदर भी सर्च करा रहे हैं, और कई सारे हमें अभी कारतूस मिले भी हैं, खाली भी मिले हैं, जिंदा भी मिले हैं, और जो शुरू से लेकर लगभग 2 घंटे की कार्रवाई में इनके द्वारा कम से कम 30-40 राउंड चलाए गए थे। तो टोटल ये सारी कितने वेपन्स मिले हैं यहाँ पे घर पे? देखिए पता चला है कि इनके पास डबल बैरल का ही एक जो था लाइसेंस हथियार था, और एक इनके पास कोई रिवॉल्वर कहीं थी, लेकिन वो अभी मिली नहीं, हम लोग उसको ढूंढ रहे हैं। माना जाए प्रॉब्लम बहुत क्रिएट थी, अगर पुलिस पे हमला हो सकता जान मतलब हो सकता नुकसान, जिस तरह फायर कर रहा है। अपने फैमिली में इनका डिस्प्यूट है, इनके भाइयों से भी कुछ प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, खुद शेयर का काम करते हैं, और इनकी जो बहू है उनसे भी काफी मानसिक रूप से वो भी थे, और इनका इलाज उलाज भी चल रहा था। तो एक बड़ी घटना होते होते टल गई है, जो मामूली चोटें। सर सरेंडर किया है कि पुलिस ने गिरफ्तार किया इनको? आप लोगों ने देखा ही, हम लोगों ने उनको कैसे उनको परसुएट किया था, नेगोशिएट करके, उनसे बातचीत करके सारी चीजें सॉर्ट आउट कराएंगे। उनको हम लोगों ने कब्जे में लिया, और बाकी जो लीगल एक्शन हो गया। कानपुर से हैदर अली की रिपोर्ट।